कुमकुम भाग्य में रिया ने हर हद पार कर दी है। एक तरफ तो भैया उसने जोरदार तमाचा जड़ दिया शहाना के मुंह पर, तो दूसरी तरफ दादी को भी धक्का मार दिया। अब जो आप हरकतें कर रही हैं उनका खामियाजा भी आपको भरना ही पड़ेगा। रिया बौखला गई है, गुस्से से उसके दिमाग का पारा कुछ इस कदर हाई हो गया है ना कि आज उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। प्राची को लेकर वो घर वालों के सामने अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रही थी। जब दादी ने उसे रोकने की कोशिश की तब देखिए इतनी हिम्मत रिया की बढ़ गई कि उसने दादी को जोर से धक्का मार दिया। रिया ने बहुत ही हद पार कर दी है और दादी को धक्का दे दिया है। उम्र का लिहाज बिल्कुल नहीं कर रही है रिया। अब उन्होंने विक्रम जो डैड है उनको भी उनसे भी बहुत बदतमीजी से बात की है, तो काफ़ी कुछ नया हो रहा है। आज तक कभी भी दादी को धक्का नहीं दिया था, हमेशा उनको इग्नोर करती थी या कुछ ना कुछ उनको सुना देती थी, लेकिन धक्का या फिज़िकल फाइट कभी नहीं हुई है, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अब ये लड़की इस सच में सद्बुद्धि खो बैठी है। वैसे ही रिया को जल्दी कुछ समझ में नहीं आता है और आज तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रिया की इन्हीं हरकतों से देखिए पल्लवी ने आज फैसला कर लिया है कि वो रिया और रणबीर का तलाक करवाएगी। अब रिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा, देखिए उसने तलाक के कागजात पर साइन भी कर दिया। बेसिकली पल्लवी को समझ में आ गया है कि रिया जो अब तक करती आई है वो बहुत ही गलत है। उसने क्या क्या किया है रणबीर के साथ, उसकी सारी चालें पल्लवी को आज पता चली है, तो पल्लवी ने डिसाइड किया कि उसे घर से बाहर निकाल देगी एंड डिवोर्स पेपर साइन करवाएगी। और उसके बाद प्राची ने भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाली और वो राज खोल दिया, जो राज उसने न जाने कई महीनों से अपने अंदर छुपा रखा था। रणबीर को नशे की गोलियां देकर रिया ने कैसे उसका फायदा उठाया, इस बात का भंडाफोड़ आज प्राची ने कर दिया। ये सच है, रिया ने बहुत ही कन्वीनियंटली रणबीर के ड्रिंक में टैबलेट मिलाई थी जिसमें नशा था, तो रणबीर नशे की हालत में था। वो जो कुछ भी कर रहा था, सोच रहा था, देख रहा था, कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं था और इसी बात का रिया ने फायदा उठाया। अब देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर तो बहुत बड़ी महाभारत हो गई है, लेकिन क्या लगता है कि रिया इतनी आसानी से इस घर को छोड़कर चली जाएगी? अब जहाँ तक हमें लगता है वो जाएगी नहीं, बल्कि उसके पास जो हुक्म का इक्का है ना वो खोलेगी। मुंबई से करीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।